हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि एक इन्वर्टर आईडीए में अगर हम लोग पीसीबी रिप्लेस कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से हम लोग पीसीबी रिप्लेस करें, क्योंकि केयर की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग आज एक एयर कंडीशनर में, स्प्लिट एयर कंडीशनर में पीसीबी रिप्लेस करेंगे और पूरा शुरू से देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग पैनल ओपन करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमको एहतियात रखना चाहिए, कैसा कैसा हम करें कि हमारी मशीन एकदम परफेक्टली रिपेयर हो जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक एयर कंडीशनर है, स्प्लिट एयर कंडीशनर है, और हमारा एक इंजीनियर पीसीबी रिप्लेस करने की स्टार्टिंग कर रहा है। अब एक चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि ये जो कवर्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, इनको पहले ध्यान से देखें कि इसे हम स्क्रू हटा लिया है तो हम इसे नीचे से ऊपर पुश करें या ऊपर से नीचे पुश करें। कई जगह पे ग्रूव कटे रहते हैं, निशान बने रहते हैं। तो अब जैसे ये वाला पैनल है, ये पैनल ऊपर से नीचे पुश होगा, ये आसानी से बाहर निकल आया। अब यहाँ पे आपको ये वायरिंग्स दिखेंगी, पीसीबी को जाने वाले वायर हैं, स्टेबलाइजर से आने वाले वायर हैं, आउटडोर को जाने वाले वायर हैं। तो यहाँ पे हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये आउटगोइंग चार वायर हैं। ये तो अर्थिंग हो गई, ये हमारा ऑरेंज कलर वाला कम्युनिकेशन का वायर हो गया, और ये दो वायर ब्लू और ब्लैक, कहीं कहीं ब्राउन भी हो सकता है, फेस और न्यूट्रल है, लाइन और न्यूट्रल, और एस वायर है ये, जो कि हम लोग कम्युनिकेशन वायर बोलते हैं। तो अब अच्छी बात यह है, गुड प्रैक्टिस ये है कि हम इसकी एक फोटोग्राफ खींच लें। हमारे पास कैमराज होते हैं, हमारे पास मोबाइल है ऑलरेडी जिसमें कैमरा रहता है, तो अगर हम फोटो ले लेंगे तो यहाँ पे हमको अगर कहीं भूल चूक हो जाती है तो वायर्स को दोबारा से लगाने में हमें कभी परेशानी नहीं होने वाली। तो छोटी छोटी चीज़ों का अगर एहतियात रखेंगे, देखिए यहाँ पे इंजीनियर जो है वो फोटो खींच रहा है। अब ये धीरे धीरे हम लोग पैनल के स्क्रू खोलेंगे। ध्यान रखें स्क्रू जहाँ लगे हों, कई बार इनके ऊपर कवर लगे रहते हैं तो हम आहिस्ता से कवर हटा देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि वो कवर गिर जाते हैं तो खो जाते हैं, उसका भी केयर करेंगे। हमें पता है कि पैनल निकालेंगे तो कुछ वायर हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ेंगे, कुछ जैक हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ेंगे। ये जैक डिस्कनेक्ट किया है, ये फ्रंट का हमारा डिस्प्ले का जैक है। अब यहाँ पे बैक साइड पे देखेंगे तो बैक साइड पे तीन या चार हुक्स होते हैं जिससे ये हमारा टॉप का पैनल जो है वो कनेक्ट रहता है। तो इन हुक्स को हम लोग पुश करके और पैनल को बाहर खींच लेते हैं। देखिए ये पैनल नीचे हुक्स निकाले, पहले नीचे हुक होते हैं, निकालने के बाद ऊपर के हुक्स को भी प्रेस करके हम बाहर निकालेंगे बहुत एहतियात से। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जब हम पैनल निकाल रहे होते हैं तो केयर करेंगे कोई चीज़ टूटे ना। और इसके पीछे जो हमारा इंडोर यूनिट है वो एक प्लेट के ऊपर हैंग किया हुआ है, वो प्लेट भी मजबूती से लगाएं, क्योंकि इसमें प्रेशर पड़ता है। जब हम पैनल निकालेंगे थोड़ा सा खींचेंगे तो प्रेशर पड़ेगा, तो ऐसा ना हो कि वो प्लेट हमारी दीवार से अलग हो जाए। और अगर एक बार दीवार से प्लेट अलग हो गई तो दोस्तों फिर बड़ा काम होगा, फिर आप उसको ऐसे रीफिट नहीं कर सकते हैं। पूरा यूनिट आपको पंप डाउन करना होगा, फिर वायर निकालना, फिर पाइपलाइन को अलग करना, फिर यूनिट को उतारना, उसके बाद दोबारा से नए होल बनाना। तो शुरुआत में ही जब हम इसकी बैक पैनल लगा रहे हैं, जब हम इसकी प्लेट लगा रहे हैं, तो उस प्लेट को हम अच्छे से पिनिंग कर लें, मजबूती देख लें दीवार की। अगर मजबूत नहीं है तो सॉल्यूशंस आते हैं, वो सॉल्यूशन लगा के हम लोग इसको फिट करें। तो खैर ये पैनल हम लोग निकालते हैं, हमारे इंजीनियर पीछे से जो हुक्स हैं, जो क्लिप्स हैं, जो अंदर प्रेस किए हुए क्लिप्स हैं इंडोर की बॉडी के और आउटर पैनल के, उनको रिलीज कर रहा है हाथ से। ये रिलीज हो गए, अब ये पुश करके हमारा पैनल बाहर आ जाएगा। देखिए आपने, ये जो हमारा डिस्प्ले वाला कनेक्टर था, ये ना निकालते तो फिर बाद में हमको परेशानी होती। तो ये हमारी इंडोर मशीन आ गई, खासतौर से नए लोगों के लिए। दोस्तों ये हमारा कूलिंग कॉयल है, इसके पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे फैन मोटर है, और इसके बाद ये हमारी पीसीबी है, और
यहाँ पे फिर सेंसर्स लगे हुए हैं, दो सेंसर नॉर्मली होते हैं, एक रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है, एक इन कॉयल्स के, इन पाइपलाइन के टेम्परेचर को सेंस करता है। ये कूलिंग कॉयल है हमारा। ये नीचे हमारी ड्रेन ट्रे लगी हुई है, थोड़ा एहतियात रखेंगे चीज़ों का। ये फिंग्स जो है वो हमारी दबना नहीं चाहिए, तेज होती हैं, अगर हमारी उंगली इस पर लग जाएगी तो अक्सर उंगली कट भी जाती है। तो अब हम लोग ये पीसीबी निकालेंगे, थोड़ा सा वायर्स को रिलीज करेंगे। बेसिकली ये पीसीबी प्रेस्ड है, ऊपर से हमने प्रेस करके निकाला, इसे ढकने को अलग कर लिया, और अब ये हमारी मेन इंडोर की पीसीबी सामने लगी हुई है। इस पीसीबी में भी ध्यान रखेंगे कि कुछ उभरे हुए पार्ट्स हैं, जैसे कैपेसिटर्स हो सकते हैं, जीनर्स हो सकते हैं, फिल्टर्स हो सकते हैं, हमारा फैन मोटर का कैपेसिटर हो सकता है, तो ये हमारे पार्ट जो हैं ये डैमेज ना हो। इसी तरह से जो हमारे सेंसर्स होते हैं, ये सेंसर्स भी कमज़ोर होते हैं, महीन महीन वायर्स होते हैं, महीन महीन इसकी लेग्स होती हैं, तो हम सेंसर को खींचते वक्त, निकालते वक्त कहीं डैमेज ना कर दें। तभी हमारा इंजीनियर क्या कर रहा है, जो वायरिंग हमारी पीसीबी को जा रही है उन वायर्स को डिस्कनेक्ट कर रहा है। पूरा पीसीबी को रिलीज कर लेंगे, फिर पीसीबी को आसानी से बाहर निकालेंगे तो इजीली काम आपका हो जाने वाला है। जो भी जैक्स हैं सब कलर वाले जैक आने लगे हैं, और एक दूसरे में आप चाहें तो फिट नहीं होंगे, तो वो सब चक्कर तो ख़त्म ही हो गया है कि वायर अब कहाँ लगेंगे। फिर भी अगर हो सके तो इसका भी फोटोग्राफ लिया जा सकता है। हमारे इंजीनियर ने ये वायर सारे जो हमारे कनेक्टर पे आ रहे थे, मेन कनेक्टर पे आ रहे थे, उसको अलग कर लिया है, और अब ये सेंसर्स के वायर्स को अलग कर रहे हैं। कई बार यहाँ पे टाई होती है, प्लास्टिक की टाई इस जगह पे होती है, तो उसको भी हम लोग डिस्कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये काम हम लोग पीसीबी को निकाल के भी कर सकते हैं आराम से, बट फिर भी बेटर है कि हम अपना वायरिंग को डिस्कनेक्ट कर लें। ये पीसीबी हुक से प्रेस की हुई है, कोई स्क्रू नहीं इसमें दिया है। इसको जब आप हल्का सा प्लास्टिक ऊपर उठाएंगे तो ये पीसीबी आपकी आसानी से बाहर आ जाने वाली है। इसको पुश करके बाहर ले आएंगे। अब बहुत ध्यान से सारे ये फैन का कनेक्टर निकाल रहे हैं, फीडबैक का वायर है, सेंसर्स के वायर्स हैं, स्विंग मोटर का वायर है, कई तरह के इसमें कनेक्टिविटीज रहती हैं। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता और जल्दीबाजी कहीं नहीं करेंगे कि जल्दी से काम कर लें, इत्मीनान से आराम से काम करेंगे, बेवजह के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बेवजह में जल्दी में ख़राब भी नहीं करेंगे चीज़ों को। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और मशीन जो है वो प्रॉपरली वर्किंग में आ जाए। तब ये पीसीबी को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरी पीसीबी इसमें रीफिट कर दी है, सारे वायर्स लगा दिए हैं। ये कनेक्टर्स हैं हमारे जिससे लाइन इस पीसीबी में जाएगी, वही फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग, कम्युनिकेशन का वायर, वापस हम पीसीबी को केयरफुली सब तारों को अपनी जगह पर रखते हुए हम इसको रीफिट कर देंगे। प्रेस होके लग जाएगी, लेकिन इसके बाद भी बड़ा काम है। ये सारे वायर को, जिस जगह से ये वायर बाहर निकले थे, इनको वापस अपनी जगह पर बिठाना। अगर आपके पास प्लास्टिक टाई है तो इनको, अगर टाई लगी थी तो रीफिट कर देंगे, टाई लगा देंगे इसमें। सेंसर्स को अपनी जगह के ऊपर लगाना, प्रॉपर वायर्स को सही जगह पे कनेक्ट करना, अदरवाइज क्या होने वाला है, फाइनल जब आप फिट करके मशीन को स्टार्ट करेंगे तो मशीन जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट नहीं होगी। धीरे धीरे करके ये वायर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ध्यान दें कि कोई भी हमारा जैक जो है वो अंदर फंसा ना रह जाए, क्योंकि फाइनल फिटिंग के टाइम पे
जब आप इसको चलाने के लिए तैयार होंगे उस वक्त कोई चीज नहीं फंसना चाहिए। तो हर चीज को इत्मीनान से ध्यान से चेक कर लेंगे। हमारा इंजीनियर एक एक वायर को अलग अलग करके चेक कर रहा है कि सब अपनी जगह पे प्रॉपर लगे हैं, सेंसर ने अपनी जगह प्रॉपर बैठ गए हैं सेंसर्स, स्विंग मोटर का कनेक्टर लग गया है, मेन मोटर का कनेक्टर लग गया है। अभी ये कंप्लीट करने के बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा एडिशनल हमारे पास एक डिस्प्ले यूनिट है। इस डिस्प्ले यूनिट पे इसको हम लोग चला के चेक कर लेंगे कि प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। रिमोट से सारे फंक्शन हम इसके अलग से चेक कर सकते हैं। तब ये मशीन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, सारे फंक्शंस इसके वर्क कर रहे हैं। रिमोट से हमारे इंजीनियर इसको चेक कर रहे हैं। तब ये मशीन हमारी फाइनल फिटिंग के लिए रेडी है। कवर को हम दोबारा से अपनी जगह पे लगा देंगे। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, कौन सा वायर कहाँ से निकलेगा इसका भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ग्रूव्स कटे हुए हैं, जगह बनी हुई हैं। अगर हम गलत जगह से तार निकाल देंगे तो क्या होने वाला है, सारी फिटिंग होने के बाद भी मालूम हुआ कि मशीन साउंड कर रही है, मशीन जो है वो आवाज़ कर रही है। तो केयर करेंगे कि एक एक वायर अपनी जगह से निकले, कोई चीज़ लूज ना रहे, सारे स्क्रू अपनी जगह पर प्रॉपरली फिट हो जाएं, और जो हमने सिस्टम को मशीन को लगाया है वो बैलेंस होके काम करें। तो प्रॉपरली इंजीनियर एक एक चीज को चेक कर रहा है। इसका भी उल्टे सीधे का ध्यान रखेंगे। देखिए एक वायर गलत लगा है तो ये प्रॉपर बैठेगा नहीं, तो दोबारा से वायर को अपनी जगह पे रीफिट करना है। ये डिस्प्ले को जो लाइन जा रही है उसको प्रॉपरली रीफिट किया, साइड से आने वाला है ये। छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अभी मशीन हमारी पूरी तरह से तैयार है। इस पे हम फाइनली पैनल फिट कर देंगे और केयर करेंगे इसमें भी कि पूरे हुक्स प्रॉपरली पैनल के बैक पैनल से कनेक्ट हो जाए, बॉडी से कनेक्ट हो जाए, और फाइनली इसको स्क्रू लगा के कंप्लीट करेंगे। तो ये मशीन हमारी तैयार हो गई है। तो दोस्तों कभी आपको परेशानी ना आए इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग दूसरों की मदद भी कर सकें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।